म्यूटेशन में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? टाइप्स ऑफ म्यूटेशन, ठीक है? दो तरह का म्यूटेशन होता है। एक होता है नंबर वन, मैंने कहा क्रोमोसोमल म्यूटेशन, ठीक है? और एक होता है पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है? मतलब हम पूरी बायोलॉजी में पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं ये वर्ड आते ही हैं, बोलो। पॉइंट म्यूटेशन, क्लियर? या इसी को क्या बोलते हैं, जीन म्यूटेशन। क्या बोलते हैं, बोलो? जीन म्यूटेशन, क्लियर? अब आप 15-20 मिनट पूरा इधर ध्यान देना, बोलो। क्रोमोसोमल म्यूटेशन और जीन म्यूटेशन हमें दो पढ़ना है। ये तो क्या है, बोलो? गुणसूत्री, मैंने कहा उत्परिवर्तन, क्लियर? और ये क्या है, बोलो? एक बिंदु बिंदु उत्परिवर्तन परिवर्तन, और या क्या बोलते हैं इसको, जीन उत्परिवर्तन, क्लियर? जीन उत्परिवर्तन। अब हम पहला क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्रोमोसोमल, ठीक है? बोलो क्रोमोसोमल, क्रोमोसोमल, ठीक है? म्यूटेशन, ओके, क्रोमोसोमल म्यूटेशन। अब ये भी दो कारणों से होता है, ठीक है? ये है निम्न, मैंने कहा, ठीक है, टू टाइप्स, ओके, का होता है। बोलो टू टाइप्स का होता है। एक तो होता है, बोलो, नंबर वन, मैंने कहा ड्यू टू चेंज ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन होने से। एक है ड्यू टू अरेंजमेंट ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम, ड्यू टू चेंज ऑफ अरेंजमेंट ऑन जीन ऑन क्रोमोसोम, मतलब क्रोमोसोम पर जीन की व्यवस्था में परिवर्तन होने से। एक तो क्या बता रहा हूँ, बोलो, मैंने कहा गुणसूत्र की संख्या, ठीक है, संख्या में परिवर्तन, परिवर्तन आपसे मैं कह रहा हूँ से, ओके, बोलो क्या बोला मैंने, ड्यू टू चेंज, क्लियर, ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है? जैसे अभी अपन पढ़ेंगे आपको सब चीज़ समझ में आएगी, ठीक है? बोलो क्रोमो, मैंने कहा सोम, क्लियर? और दूसरा क्या है, बोलो, गुणसूत्र, ठीक है, गुणसूत्र पर मैंने कहा जीन की व्यवस्था, ठीक है, मैंने कहा परिवर्तन, परिवर्तन से, ठीक है? क्या लिख रहा हूँ, ड्यू टू, मैंने कहा चेंज ऑफ, मैंने कहा अरेंजमेंट ऑफ, मैंने कहा जीन ऑन, बोलो, क्रोमोसोम, ठीक है, क्रोमोसोम, ओके, बोलो क्रोमोसोम, ओके। तो हमें पहला स्टडी करना है, पहले गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन से, ठीक है? एक बार आपको लगेगा कि अंदर अंदर बहुत सारे टाइप हैं, लेकिन जब वापस रिवर्स देखेंगे तो सारी चीज़ समझ में आएगी। पहला मैंने कहा गुणसूत्र, ठीक है, कि बोलो संख्या, ठीक है, संख्या में परिवर्तन, परिवर्तन से, ठीक है? पहला अपना क्या है, बोलो, मैंने कहा ड्यू टू, ओके, चेंज ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्लियर? ये भी क्या होता है, बोलो, टू टाइप्स, ठीक है? कितने टाइप्स का होता है, बोलो? ये दो तरह का होता है। एक होता है यूप्लॉइडी और एक होता है एन्यूप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी, क्लियर? एक क्या होता है यूप्लॉइडी, ओके, और एन क्या होता है एन्यूप्लॉइडी, क्लियर? ओके, एक होता है यूप्लॉइडी, एक होता है एन्यूप्लॉइडी, ठीक है? तो पहला स्टार्ट कर रहे हैं क्या, बोलो, यूप्लॉइडी, ठीक है? यूप्लॉइडी का मतलब क्या होता है, चेंज ऑफ नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम, क्लियर? गुणसूत्रों के पूरे सेट की संख्या में परिवर्तन। जब मैं चेंज बोलता हूँ तो इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है, क्लियर? मैंने कहा ये, बोलो, क्रोमोसोम, बोलो, कि सेट्स की संख्या में, बोलो, परिवर्तन से होता है, क्लियर? बोलो, मैंने कहा यहाँ पर ड्यू टू, आपसे मैं कह रहा हूँ, चेंज ऑफ नंबर ऑफ सेट्स ऑफ, मैंने कहा क्रोमोसोम, क्लियर? ये तो हो गया यूप्लॉइडी का मीनिंग। फिर मैंने कहा टू टाइप्स, क्लियर? इसके कितने टाइप्स, बोलो, टू टाइप्स, एक मोनोप्लॉइडी,
एक मोनोप्लॉयडी और एक मैंने कहा पॉलीप्लॉयडी, क्लियर। एक मोनोप्लॉयडी और एक क्या है पॉलीप्लॉयडी, क्लियर। तो मेरे कहने का मतलब है मोनोप्लॉयडी का मतलब क्या होता है, 2n+। बोलो मैंने कहा पहला, बताऊं आपको पहला मैंने कहा यहाँ पर मोनो प्लॉयडी, ठीक है, मोनोप्लॉयडी अपन दोनों को देख रहे हैं। एक मैंने कहा बोलो मोनो, ठीक है, प्लॉयडी, क्लियर, मोनोप्लॉयडी। और एक क्या बता रहा हूँ मैं, बोलो पॉली, ठीक है, पॉली प्लॉयडी, ओके। तो मोनोप्लॉयडी में क्या किया मैंने, बोलो 2n-n, क्लियर, इसको क्या बोलते हैं मोनोप्लॉयडी, क्लियर। और मैंने कहा यहाँ पर लिख दिया मैंने नॉट प्रेजेंट, बोलो इन नेचर, क्लियर, समझ गए। बोलो ऐसा थोरेटिकली बात कर सकते हैं, प्रैक्टिकली प्रकृति में ऐसा नहीं मिलता है, ओके। फिर बात की मैंने पॉलीप्लॉयडी, पॉलीप्लॉयडी मैंने कहा 2n+n कर दूँ तो क्या कहलाता है, ट्राइप्लॉयडी, क्लियर। अगर मैं 2n, बोलो 2n+n+n कर दूं तो क्या कहलाएगा, टेट्राप्लॉयडी, क्लियर, क्या कहलाएगा, टेट्राप्लॉयडी। 2n+n+n+n कर दूं तो पेंटाप्लॉयडी, क्लियर, ये तो हमें समझ में आ रहा है, बोलो क्लियर। अच्छा अब मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पर, ये तो मैंने इन दोनों में बताया, क्लियर। अब क्या बता रहा हूँ, टाइप्स ऑफ पॉलीप्लॉयडी, क्या बता रहा हूँ, टाइप्स ऑफ पॉलीप्लॉयडी, क्लियर, किसके टाइप बता रहा हूँ, पॉलीप्लॉयडी के। पॉलीप्लॉयडी कितने टाइप का, बोलो 2 टाइप्स का, क्लियर। एक क्या है ऑटो पॉलीप्लॉयडी, ऑटो मैंने कहा पॉली प्लॉयडी, क्लियर। और एक क्या होता है एलो पॉलीप्लॉयडी, क्या होता है बोलो, एलो, बोलो एलो मैंने कहा पॉली पॉलीप्लॉयडी, क्लियर। तो आपसे मैं कह रहा हूँ इनको अगर हम देखें, एक तरफ क्या लिख रहा हूँ मैं, बोलो ऑटो पॉली प्लॉयडी, क्लियर, और एक तरफ क्या है बोलो आपका एलो पॉलीप्लॉयडी, एलो बोलो पॉली प्लॉयडी, क्लियर, एलो पॉलीप्लॉयडी, ओके। तो ऑटो पॉलीप्लॉयडी का मतलब होता है सेम नंबर ऑफ सेट्स का नंबर इंक्रीज होना, क्लियर। बोलो मैंने कहा इंक्रीज, बोलो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, बोलो सिमिलर नंबर ऑफ सेट्स, क्लियर, पहले बताओ समझ आओगे, बोलो इंक्रीज सिमिलर नंबर ऑफ सेट्स, क्लियर, इंक्रीज सिमिलर नंबर ऑफ सेट्स, ओके। इसका बेस्ट एग्जाम्पल लिखूँ तो मैंने लिखा टिटिकम बोलो ड्यूरम, क्लियर, टिटिकम ड्यूरम 4n होता है, तो 4n का मतलब ए ए ए ए, क्लियर, बात समझ में। मैंने लिखा यहाँ पर टिटिकम, बोलो टिटिकम एस्टिवम, क्लियर, बोलो टिटिकम एक्सटिवम क्या होता है 6n होता है, मतलब ए ए ए ए ए ए ए। आई होप आपको मीनिंग समझ में आ रहा है, बोलो इंक्रीज सिमिलर नंबर ऑफ सेट, मतलब समझ गए, बोलो एक समान सेट्स की संख्या में वृद्धि, पॉलीप्लॉयडी पढ़ रहे हैं तो वृद्धि, क्यों, क्योंकि मोनोप्लॉयडी का मतलब आपका क्या था, कमी था, क्लियर। अब आ जाते हैं एलो पॉलीप्लॉयडी, मतलब यहां पर क्या बोलूंगा, इंक्रीज आपसे मैं करूं डिफरेंट डिफरेंट मैंने कहा टाइप्स ऑफ सेट्स, क्लियर, अलग अलग प्रकार के सेट्स की वृद्धि, क्लियर। बोलो मैंने कहा अलग अलग प्रकार के सेट्स की वृद्धि, ओके। तो इसमें मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मैंने कहा ए ए बी बी ए ए ए ए बी बी, ये क्या कहलाएगा बोलो, एलोपोलीप्लॉयडी, एलोपोलीप्लॉयडी और बोलो ऑटोपोलीप्लॉयडी का मतलब समझ में आया। इसके दो बेस्ट एग्जाम्पल है, एक है बोलो रेफेनो ब्रैसिका, क्लियर, क्या है बोलो रेफेनो ब्रैसिका, और एक है टिटिकेल, क्लियर, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्जाम में यही पूछा जाता है। अब मैंने कहा रेफेनो ब्रैसिका टिटिकेल का नाम कैसे पड़ा, ये हाइब्रिड है बोलो, कैसे ये बने वो मुझे आपको बताना पड़ेगा, क्लियर, यहाँ तक कहानी समझ में आए बोलो, ओके। अब मैं जो पहले आपको स्पेशल नोट बता रहा हूँ, स्पेशल नोट क्या बता रहा हूँ कि बोलो हाइब्रिड की साइंस ये कहती है कि किसी भी हाइब्रिड के अंदर
अगर जो नंबर ऑफ सेट्स है वो किसी पेरेंट से जो आया हुआ है वो अगर ओड नंबर है तो वो हमेशा हाइब्रिड स्टेराइल होगा, और अगर इवन नंबर है तो वो फर्टाइल होगा। वापस सुनना क्या कहना चाह रहा हूँ, हाइब्रिड की साइंस क्या कहती है कि अगर हाइब्रिड के अंदर नंबर ऑफ सेट इंडिविजुअली पेरेंट से जो आया है वो अगर नंबर ऑफ सेट इंडिविजुअली पेरेंट से जो आए हैं वो अगर क्या हुए बोलो, ओड हुए मतलब विषम संख्या में हुए, तो वो हाइब्रिड क्या होगा बोलो, स्टराइल होगा। और इवन नंबर हुए सम संख्या में तो क्या होगा, फर्टाइल होगा। क्लियर? पहला मैं आपको स्पेशल नोट किया और इन्हीं को यूज करूंगा मैं अभी। मैंने कहा यदि हाइब्रिड, क्लियर, हाइब्रिड में, हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, संकर। क्लियर? में बोलो नंबर, और आपसे मैं करो में पेरेंटल। क्लियर? पेरेंटल प्लांट से आपसे मैं कह रहा हूँ से आए सेट्स बोलो की संख्या बोलो क्या है, ऑड। क्लियर? क्या है बोलो, विषम। तो बोलो तो हाइब्रिड हाइब्रिड बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ स्टेराइल बोलो बन दिए बोलो होता है। क्लियर? होता है। और यदि 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 सेट्स की संख्या बोलो किससे आई हुई बोलो, वही पेरेंटल से, ठीक है बोलो, इवन मैंने कहा सम बोलो होती है, तो मैंने कहा हाइब्रिड 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 बोलो फर्टाइल बोलो जनन सक्षम होता है। क्लियर? तो आपको मैंने कहा फिर तो हम अगर हाइब्रिड बनाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी बोलो, बात समझ। तो इसका क्या सॉल्यूशन है कि केमिकल होता है जिसका नाम होता है कोल्चिसिन, और वो पॉलीप्लोइडी को इंड्यूस करता है। कहीं पर अगर 3 है तो 6 में बदल देता है, कहीं पर 1 है तो 2 में बदल देता है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ बोलो, कोल्चिसिन। कभी ना कभी नाम सुना होगा। मैंने कहा रसायन बोलो केमिकल केमिकल बोलो पॉलीप्लॉइडी, ठीक है, पॉलीप्लॉइडी 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 को हिंदी में क्या कहते हैं, बहुगुणिता। क्लियर? बोलो को मैंने कहा इंड्यूस इंड्यूस मतलब प्रेरित करता है। क्लियर? अब आप मेरी बात को समझना, इन 2 पॉइंट का यूज करके तीसरा पॉइंट क्या कर रहे हैं। एक तरफ आपको मैं बता रहा हूँ कि रेफेनोब्रेसी का कैसे बना, और एक तरफ बता रहा हूँ आपको कि ट्रिटिकेल कैसे बना। क्लियर? बोलो ट्रिटिकेल। ओके, नाम तो सुने ही होंगे आपने बोलो। एक तो क्या है बोलो अपना रेफेनो, मैंने कहा ब्रेसिका। क्लियर? और एक है टिटिकेल। एक्चुअली रेफेनो ब्रेसिका एक हमने लिया रेफेनस बोलो रेफेनस सटाइवम। क्लियर? रेफेनस सटाइवम कौन होता है, मूली, नाम तो सुना ही होगा बोलो। क्लियर? और एक क्या ले रहे हैं अपन प्लांट, ब्रेसिका ओलेरेसिया। क्लियर? नाम तो सुना ही होगा सबकी प्यारी बोलो गोभी, क्या बोलो गोभी। क्लियर? तो नेचुरली जो रेफेनस सटाइवम होता है वो 2N होता है। क्लियर? और ज्यादातर प्लांट 2N ही होते हैं। क्लियर? ये 4N 6N तो बहुत कम होते हैं। तो मैंने कहा 2N, ये मैंने लिख दिया A। क्लियर? अब मूली मूली है, गोभी गोभी है, तो मैंने कहा ये भी 2N होती है, तो इसका क्या लिखूंगा, BB। और समझे समझे बोलो। क्लियर? तो मैंने कहा ये मैं चाहता हूं कि इनसे एक हाइब्रिड बनाना चाहता हूं। किस किस प्लांट से बनाना चाहता हूं, मूली और गोभी से, मूली और गोभी से। क्लियर? तो यहां पर बताओ ऐसे होगा। अब बताओ ये हाइब्रिड जो मैं बना रहा हूं ये तो स्टेराइल होगा अकॉर्डिंग टू साइंस, क्योंकि इसके अंदर पेरेंटल से आया हुआ सेट एक है बोलो, जबकि मैंने कहा उसमें ओड नहीं होकर इवन होना चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा यहां पर, किसका छिड़काव किससे कराने पड़ेगी, कोल्चिसिन से। क्लियर? बोलो जैसे ही हम कोल्चिसिन से कराएंगे तो ये किस में बदल जाएंगे, ए ए बी बी, और ये हमारा जो हाइब्रिड हो जाएगा वो अब किस में बदल जाएगा बोलो, फर्टाइल में बदल जाएगा। आपको मेरी बात समझ में आए बोलो। क्लियर? इधर हम बात करें टीटीकेएल की। क्लियर? तो मैंने कहा ये टीटीकेएल किया। ओके, तो ये किससे मिलके बना, एक तो मैंने कहा आपको टीटीकेएल
टीटी कम, मैंने कहा एसटी एसटी वर्म, क्लियर। और एक मैंने कहा आपको सिकल, बोलो सीरियल, क्लियर। एक तो है गेहूं वीट और एक क्या है बोलो राई है, क्लियर। जो गेहूं होता है टीटी कम एसटी वर्म, अभी बताया मैंने कैसा होता है, सिक्स एन होता है, अभी बताया मैंने आपको, क्लियर। अच्छा सिक्स एन का मतलब ए ए ए ए ए ए, क्लियर। अच्छा मैंने कहा राई क्या होता है, टू एन, बोलो बी बी, क्लियर। ज्यादातर तो कैसे होते हैं, टू एन ही होते हैं, क्या होते हैं, टू एन, क्लियर। और हम चाहते हैं कि भाई मैं गेहूं राई प्लांट से एक हाइब्रिड बनाना चाहता हूं, क्लियर। तो बताओ यहां पर क्या होगा, ए ए ए बी, यही होगा बोलो। तो बताओ ये फर्टाइल होगा कि स्टराइल होगा, स्टराइल होगा। आप ऐसे टोटल चार मत काउंट करो, मैंने क्या लॉजिक बताया, हाइब्रिड के अंदर अगर पेरेंटल से आए हुए सेट का नंबर अगर आपका ओड है, बोलो आपसे मैं करूं, जैसे इससे आए वो तीन ही है, इससे आए वो एक है, क्लियर। तो अपने को फिर किससे कराना पड़ेगा, बोलो कोलचिसिन से, किससे कराना पड़ेगा, कोलचिसिन से, क्लियर। और जैसे ही हम कोलचिसिन से कराएंगे, और कोलचिसिन कैसा केमिकल होता है जो किसको इंड्यूस करता है, पॉलीप्लॉइडी को, तो पॉलीप्लॉइडी को इंड्यूस करेगा, पॉलीप्लॉइडी को इंड्यूस करेगा, बताओ ये इसमें बदल जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बोलो मैंने कहा फर्टाइल, बोलो हाइब्रिड बन जाएगा, क्लियर। आई होप आपको मेरी बात सारी समझ में आई होगी, क्लियर। तो अब आपको सबसे मेन चीज जो कितनी बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कि पॉलीप्लॉइडी को कौन इंड्यूस करता है, कोलचिसिन, इतना इंपॉर्टेंट केमिकल है ना, केमिकल जो है ये नंबर इंक्रीज, सेट का नंबर इंक्रीज कर देता है। आज मैं आपसे कह रहा हूं कोई भी केमिकल है, ठीक है, सपोज दैट एट्रोपिन है, बात समझ में, एट्रोपिन का नेचर है कि वो हमारी पीपल को डायरेक्ट करता है, अरे बोलो समझे समझे, एट्रोपा बेलोडोना से मिलता है, ये कोलचिसिन भी बोलो प्लांट से मिलता है, और समझे समझे बोलो, हर एक का अपना क्या होता है, एक एक्शन होता है, एक्शन मतलब समझते हो, तो इसका एक्शन क्या है, ये क्या करता है, पॉलीप्लॉइडी को इंड्यूस करता है, और इस एक्शन का यूज हम क्या करते हैं बोलो, जब हमें हाइब्रिड बनाना होता है। तो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि पॉलीप्लॉइडी बहुगुणिता को प्रेरित करने वाला केमिकल कौन सा होता है, तो कोलचिसिन। अब कोलचिसिन पॉपुलर क्यों हुआ समझ में आया, क्योंकि उसकी स्टडी करके किया जाता है। ये सारी चीजें मैंने समझाई है, बाकी आपको यहाँ तक मैंने जो आपको बताया है वो क्या था, यूप्लॉइडी था, क्या था, यूप्लॉइडी। अब अपन उल्टा चलते हैं, वो तीन स्पेशल नोड तो ये दोनों समझाने के लिए बताया मैंने आपको, वापस समझना मेरी बात को, कि रेफेनोब्रेसिका और टीटीकेएल, आपको पूछा जाए रेफेनोब्रेसिका इज एग्जांपल ऑफ पॉली मोनो पॉलीप्लॉइडी, ऑटो पॉलीप्लॉइडी, पॉलीपॉलीप्लॉइडी, तो एग्जांपल ऑफ एलो पॉलीप्लॉइडी, वन क्वेश्चन। आपको पूछा जाए एग्जांपल ऑफ एलो पॉलीप्लॉइडी, तो क्या होगा बोलो, टीटीकेएल, टीटीकम एस्टिवम, टीटीकम ड्यूरम, तो किसका एग्जांपल होगा, टीटीकेएल, क्लियर। आपको पूछा जाए टीटीकेएल हाइब्रिड मेड बाय, बोलो आपसे मैं कौन कौन से प्लांट से मिलके बना, टीटीकम ड्यूरम, बोलो आपका सिकल सेल है, टीटीकम एस्टिवम, मतलब आपको कैसे कंफ्यूज कर सकते हैं, समझ में आया। और गेहूं में भी तो टीटीकम ड्यूरम भी होता है, टीटीकम एस्टिवम भी होता है, इसको बनाने में किसको यूज किया, टीटीकम एस्टिवम में, टीटीकम एस्टिवम क्या होता है, सिक्स एन होता है, टीटीकम ड्यूरम क्या होता है, फोर एन होता है, बहुत सारे एग्जांपल ऑफ ऑटो पॉलीप्लॉइडी, मेरी बात समझ में, उल्टा चले बोलो, मैंने आपको क्या बताया यहां पर, पॉलीप्लॉइडी के दो टाइप, एक बोलो पॉलीप्लॉइडी के दो टाइप, एक ऑटो पॉलीप्लॉइडी और एलो पॉलीप्लॉइडी, आया समझ में बोलो, ओके। फिर यहाँ पर पॉलीप्लॉइडी के दो टाइप, एक मोनोपॉलीप्लॉइडी और एक पॉलीप्लॉइडी, क्लियर। और यहाँ पर हमने क्या देखा बोलो, कि बोलो ये यूप्लॉइडी के दो टाइप, मोनोप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी, क्लियर। और आपसे मैं करूँ, जो मैंने कहा ड्यू टू चेंज ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, उसके कितने टाइप है, मोनो यूप्लॉइडी और एन्यूप्लॉइडी, इसका मतलब अभी तक हमने केवल क्या पढ़ा है, यूप्लॉइडी पढ़ा है, बात समझ में आए बोलो, कुछ बात समझ में आए बोलो आपको, क्लियर। अच्छा अब आप क्या करोगे बोलो, नोट करोगे, क्लियर, ओके। मैं दो तीन दिन में बहुत सारी चीजें इनमें सिखाऊंगा, चाहे क्रोमोसोमल एब्रेशन हो, चाहे डेलिएशन हो, चाहे डुप्लीकेशन हो, चाहे ट्रांसलोकेशन हो, चाहे टर्मिनल डेलिएशन हो, चाहे मोनोसोमी हो, ट्राइसोमी हो, लॉट ऑफ टर्मिनोलॉजी अपन सीखेंगे, और ये सारी चीज़ें आप बीएससी में पढ़ते हो, बोलो बात समझो ना, ये सारी चीज़ें कहाँ पढ़ते हो बोलो आप, बीएससी में पढ़ते हो, ओके। किया ये तो नोट बोलो। ओके हो गया ये बोलो।
आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो, ठीक है। ओके ओके मोनोप्लॉयडी, एक गुणिता, पॉलीप्लॉयडी, बहुगुणिता, बट ज्यादा बेटर वर्ड है मोनोप्लॉयडी, पॉलीप्लॉयडी। क्लियर? ओके किया ये नोट। बोलो। ठीक है। ओके क्या ये? बोलो। एक ऑटो पॉलीप्लॉयडी और एक एलो पॉलीप्लॉयडी। ठीक है।
से लिखूं, टिटिकम ड्यूरम, टिटिकम एस्टिवम, रेफेनोबेसिका, टिटिकेल, ओके। यूप्लॉइडी यहीं तक था। ये तो मैंने दो को समझाने के लिए तीन स्पेशल नोट बताए। बात समझ रहे हो ना? ठीक है, किया ये नोट? बोलो, बात समझ में आए? बोलो। और ये जो हो गया नोट, ये ठीक है? ओके। बात समझ में आई मेरी? ये दो पॉइंट बताया था कि तीसरा समझ में आया आपको, ठीक है? और ये सारी सबसे ज़्यादा चीज़ पूछी जाती है एग्ज़ाम में कि पॉलीप्लॉइडी को इंड्यूस कौन सा केमिकल करता है, तो कोलचिसिन। यूज़ किया तो ध्यान रहेगा, ठीक है? कोलचिसिन नाम तो सुना ही है, बोलो आपने। ठीक है, ओके। किया ये नोट? बोलो। और ये मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको दोनों का बताया, रेफेनोबेसिका और टीटीकेएल, ठीक है? स्पेशल नोट नंबर 3।
सिरल राई बात समझ में आई बोलो आपको। ये क्या बढ़ाया मैंने? यूप्लॉइडी। क्या था बोलो? यूप्लॉइडी। क्लियर? क्या यूप्लॉइडी? ठीक है, अब देखो एन्यूप्लॉइडी बता रहा हूँ, ध्यान देना। ये हो गया नोट, बोलो यूप्लॉइडी समझ में आया बोलो। ओके, मैंने कहा आपको एन यू प्लॉइडी, ठीक है। एन यू प्लॉइडी का मतलब होगा, मैंने कहा क्रोमोसोम के सेट्स में क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन, ठीक है। एक बढ़ जाना, एक घट जाना, दो बढ़ जाना, दो घट जाना, ऐसे। इस बार क्या कर रहा हूँ मैं बोलो? मैंने कहा नंबर, और मैंने कहा ड्यू टू चेंज ऑफ नंबर, ठीक है, ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम इन सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। पहले बताओ आपको मेरी बात समझ में आए कि आज जैसे हमारे 23 जोड़े हैं, 23 है, तो एक फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर ऐसा है, तो सपोज दैट किसी के 21 वाले जोड़े के अंदर दो क्रोमोसोम की जगह तीन हो गए। बोलो बात समझ में, ये कम हो गया, क्लियर। तो यहाँ पर मैंने कहा फिर ये दो तरह का, यहाँ पर एक तरफ कर रहा हूँ मोनोसोमी, मोनोसोमी, क्लियर। क्या कर रहा हूँ बोलो? टू टाइप्स, क्लियर। और एक किया मैंने ट्राइसोमी, ठीक है। इधर ध्यान देना, एक मोनोसोमी, एक ट्राइसोमी। मोनोसोमी में क्या करूँगा? टू एन माइनस वन। क्या करूँगा? टू एन माइनस वन। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है टर्नर सिंड्रोम। बोलो क्या है? टर्नर सिंड्रोम, क्लियर। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है? 44 + x 0। इसका मतलब टर्नर सिंड्रोम इज एग्जाम्पल ऑफ मोनोसोमी, क्लियर। समझे नहीं समझे बोलो? टर्नर सिंड्रोम किसका एग्जाम्पल हुआ? मोनोसोमी का। आज टर्नर सिंड्रोम वाले फीमेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 होते हैं, 45 होते हैं, 45 होते हैं, क्लियर, क्योंकि एक सेक्स क्रोमोसोम कम होता है। अच्छा, ट्राइसोमी, मैंने कहा ट्राइसोमी का मतलब 2n+1, क्लियर। इसके बेस्ट एग्जाम्पल है, मैंने लिखा यहाँ पर डाउन सिंड्रोम, क्लियर। बोलो, मैंने कहा ये क्या होता है? 24। बोलो आपसे मैं कहूँ क्रोमोसोम, ठीक है, क्रोमोसोम, ओके, में किसका एग्जाम्पल है ये बोलो? ट्राइसोमी का, क्लियर। 47 क्रोमोसोम होंगे इसमें। मैंने कहा एडवर्ड, एडवर्ड बोलो सिंड्रोम, बोलो 18 नंबर वे क्रोमोसोम में क्या है? ट्राइसोमी का। मैंने कहा पटाऊ सिंड्रोम, बोलो 13 नंबर के क्रोमोसोम में किसका है? ट्राइसोमी का। मैंने लिखा बोलो यहाँ पर क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम, बोलो क्या लिखूं? क्लाइन बोलो फिल्टर सिंड्रोम, ओके। और वो किसका एग्जाम्पल है? सेक्स क्रोमोसोम में ट्राइसोमी का। और किस में बोलो? सेक्स क्रोमोसोम में ट्राइसोमी का, क्लियर। तो इसका मतलब हुआ ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट, ट्राइसोमी इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। तो ये क्या था? एन्यूप्लॉइडी। मतलब मैंने आपको क्रोमोसोमल म्यूटेशन का एक टाइप पढ़ाया अभी, वो है ड्यू टू चेंज ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अरेंजमेंट ऑफ, चेंज ऑफ अरेंजमेंट ऑफ जीन, क्लियर। तो आई थिंक ये तो समझ में आया बोलो आपको? ओके, हाँ, एग्जाम्पल टर्नर सिंड्रोम, क्लियर। बाकी मोनोसोमी है, अगर मैं करूँ डबल मोनोसोमी, क्लियर, डबल मोनोसोमी, खाली टर्मिनोलॉजी बता रहा हूँ। डबल मोनोसोमी में क्या होगा?
टू एन माइनस वन माइनस वन, बोलो एक एक कम होना। मैंने कहा नीली नूली स्वामी, क्लियर। नूली स्वामी का मतलब क्या होता है, टू एन माइनस टू, क्लियर। और डबल नीलू स्वामी क्या होगा, टू एन माइनस टू माइनस टू, और समझे समझे एक एक जोड़े का ही कम हो जाना, क्लियर। बट ये सारी टर्मिनोलॉजी है इसका, ये दोनों प्रकृति में मिलते हैं, और समझे समझे बोलो। नेचर में मिलने का मतलब डाउन सिंड्रोम वाले मिलते ही नहीं मिलते ऐसे, क्लियर। ओके, और अगर मैं इसमें टेट्रासोमी करता तो क्या करता, टू एन प्लस वन प्लस वन, और पेंटासोमी करता तो टू एन प्लस वन प्लस वन प्लस वन। बात समझ में आए, बोलो। ओके।